अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। वारसलीगंज के मसूदा एवं सिमरी गांव से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। वारसलीगंज का कई गांव साइबर अपराधियों के लिए बना सेफ जोन। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मसूदा एवं सिमरी गांव से वारसलीगंज पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौर करा दें कि साइबर अपराधी इन दिनों वारसलीगंज के कुछ क्षेत्रों को अपना सेफ जोन बना रखे हैं, जहाँ से पूरे देश के लोगों को चूना लगा रहे हैं। नवादा पुलिस के लगातार कार्रवाई के बावजूद साइबर अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र से अब तक सैकड़ों लोगों को साइबर अपराध के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, बावजूद इस धंधे में लिप्त हैं। बताया जा रहा है गिरफ्तार सभी साइबर ठग इंडिया बुल्स और धनी फाइनेंस के नाम पर देश के विभिन्न प्रांत के लोगों से सस्ते दर पर लोन का प्रलोभन देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एसपी अभिनव धीमन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मसूदा और सिमरी गांव में छापेमारी कर 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्या चले सभी साइबर ठग लोगों को कॉल कर रिलायंस फाइनेंस एवं धनी फाइनेंस का नकली कागजात बनाकर उन्हें भेजते थे और उसके बाद 2-3% ब्याज पर आधे घंटे में लोन देने का झांसा देकर लोगों से पैसे की ठगी कर रहे थे। एसपी ने बताया कि इंडियन बुल्स और धनी फाइनेंस के नाम पर ठग का ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम राशि इत्यादि डालने पर नकली अप्रूवल लेटर बन जाता था। साथ ही साइबर ठग लोगों को डराने के लिए 100 रुपये का नकली स्टाम्प पेपर पर लीगल नोटिस भी भेजते थे। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में साइबर अपराधियों के पास से 13 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 डाटा शीट जिसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर अंकित थे एवं कई पन्नों का बैंक अकाउंट नंबर लिखा कागज भी बरामद किया है। नवादा पुलिस के हत्या से साइबर ठग जिले के वासियों थाना क्षेत्र के मसूदा गांव के वीरेंद्र कुमार, सिमरी गांव के रंजीत कुमार, टाटी बीर बीघा गांव के रवि कुमार, रोह थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव के मुकेश कुमार और अकबरपुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर के नंदन कुमार शामिल हैं। एसपी अभिनव धीमन ने बताया कि गिरफ्तार सभी साइबर ठग पर उस सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं एसपी अभिनव धीमन। साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए जो होम मिनिस्ट्री द्वारा एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, प्रतिबिंब पोर्टल, उसके माध्यम से ऐसे सभी क्रिमिनल्स जो सस्पेक्ट नंबर्स होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। इसी क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई कि वारसलीगंज थाना अंतर्गत जो है वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल्स ऐसे नंबर्स एक्टिव हैं जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएं की जा रही है। इसी क्रम में एक SIT का गठन किया गया था, उनके द्वारा जो साइबर DSP हैं उनकी अध्यक्षता में ये रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी के क्रम में करीब जो है वहाँ पे जितना सामने आया करीब 50 से ऊपर व्यक्ति ऐसे एक जो धोखे जो है साइबर फ्रॉड की घटनाएं कारित कर रहे थे उसमें से जो उनको पकड़ा गया करीब 5 लोगों को पकड़ा गया है, बाकी अन्य जो है वो भागने में सफल रहे। इसमें 13 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, एक ATM कार्ड बरामद हुआ है, अन्य एविडेंस भी वहाँ से गैदर किया गया है। इनका जो MO है वो आपको बता देते हैं कि इनके द्वारा 2 फाइनेंस कंपनीज रिलायंस फाइनेंस और धनी फाइनेंस के नाम से लोगों को ये प्रलोभन दिया जाता था कि आपको आधे घंटे में 1 घंटे में लोन प्रोसेस कर देंगे। उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है एक प्रोसेसिंग फ़ी की डिमांड की जाती थी, लोगों को प्रलोभन दिया जाता था अगर आप प्रोसेसिंग फ़ी देंगे तो आपको जो है लोन इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाए, तभी लोग जो है ये ऐसा फ्रॉड कर देते थे, मतलब OTP भी अपना शेयर कर देते थे। इसी क्रम में 2-3% ये जो बोलते थे हम आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। इनने एक ऐप भी बनाया हुआ था, ऐप के माध्यम से ऐसे लीगल नोटिसेस ये उन विक्टिम्स को पहुंचाते थे कि आप जो हैं इन्हें 100 रुपये के ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर एक लीगल नोटिस भी बनाया हुआ था, उसके माध्यम से लोगों को डराते थे, धमकाते थे अगर आप प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। ऐसे सभी विक्टिम्स जो हैं उनका पैसा इसमें जो फंसा हुआ था उनको उसको जो है फ्रीज किया गया है। अन्य जितने भी ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका पैसा गया है उसको रिलीज करने का वापस करने का प्रयास जो है वो नवादा पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसमें जो उपलब्धि है 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई और जो है वो 13 इनके पास से मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, साथ साथ ऐसी एविडेंस महत्वपूर्ण एविडेंस भी हैं, ऐसी उनके पास व्हाट्सएप चैट्स, लोगों को बहकाने वाले वॉइस टेक्स्ट वॉइस मैसेजेस ऐसे उनके पास से बरामद हुए हैं और लगातार ये अभियान चला के नवादा में जो साइबर क्रिमिनल एक्टिव हैं उनको जो है पकड़ने का प्रयास नवादा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे है ये सब साइबर? सारे जो हैं ये वारसलीगंज थाना अंतर्गत के ही रहने वाले हैं। पूर्व में भी पकड़ा है? इनका जो अभी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री थाने पे उपलब्ध अभी इनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनके जो सस्पेक्ट नंबर NCERT पोर्टल पे चलते हैं वहाँ पे सस्पेक्ट नंबर में इनका जो है वो विवरणी प्राप्त हुई है।